उस तन की कौन बड़ाई करे जिस तन से हुआ शुभ काज नहीं, वो नारी निंदा के योग्य सदा जिसके नैनों में लाज नहीं। उस देश को नरक समान समझ जिस देश में राज स्वराज नहीं। उस गांव की शोभा भी है फीकी जिस गांव में आर्य समाज नहीं। जिस गांव में आर्य समाज नहीं। भगवान तेरी महिमा क्या अजब निराली है। भगवान तेरी महिमा क्या अजब निराली है। एक घर में अंधेरा तकदीर की हाल चल है
आदर और सम्मान के योग्य है बहुत ही भारतवर्ष के उस कोटि के विद्वान पूज्यपाद स्वामी जी महाराज और भारतवर्ष के उस कोटि के युवा भजन उपदेशक हमारे शास्त्री मोहित जी आ रही है, गुरुवर पंडित राम निवास जी आ रही है, सभी आर्य समाजों से आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे उत्कल से आई हुई हमारी छोटी छोटी बच्चियां मान और पूजा के योग्य पवित्र माता और बहनों, देश की भावी आशाएं प्यारे प्यारे बच्चों, सजनों, आपके ऐतिहासिक और आर्य पवित्र नगर में ये दूसरे दिन की दूसरी बैठक अभी शुरू की जा रही है, क्योंकि मैं 12-13 साल पहले इस गांव के अंदर आया था। मजबूरी के अंदर तो बुला लेते हैं, लेकिन जब बगैर बुलाया उनका एक को सुना तो इसकी कोई बात नहीं, व्यवस्था है इनकी, क्योंकि एक उपदेशक ना आना था उस टाइम, नहीं आए तो अचानक मनाना बुलाए थे, तो बढ़िया आए कि आदर होता है, इस बात की कोई बात नहीं, वे समय क्यों नहीं देते। क्योंकि मैंने भी 27-28 साल आर्य समाज का प्रचार किया है, अभी कर रहा हूँ, और उस समय देखा सुनो कि मैं एक खोए पर ढोलक बाजा एक पे ये बैग और 5-5 कोस तक हमने घूम करके पैदल आर्य समाज का प्रचार किया है। लेकिन मैं आपके बीच में ये गीत रखा मैंने कि भगवान तेरी महिमा क्या अजब निराली है, एक घर में अंधेरा है एक घर में दिवाली है, और एक गीत और मैं आपके बीच में रख रहा हूं, अगर आज्ञा हो तो भले। अच्छा तो भजन में आपके बीच में ऐसा रखूंगा कि किसी ने सुना होगा, नया गीत होगा, पंडित जगदीश जी उन्होंने लिखा है, बिल्कुल देहाती शब्द होंगे, आपको एक एक बात समझ में आएगी।
बहुत सुंदर लिखा कवि ने, क्या कहा,